मॉस्को एक्ट पर मुंबई हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर उस फैसले को पलटना पड़ा। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गणेनीवाला ने मॉस्को एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो उसे सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है, यानी भले ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ना हुआ हो फिर भी मॉस्को के तहत इसे अपराध माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि खराब नियत ही जुर्म का आधार है और इसे पॉस्को एक्ट का मामला माना जाएगा। अदालत ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे को टच करना यौन शोषण नहीं है। ऐसी डेफिनेशन बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बने पॉस्को एक्ट के मकसद को ही खत्म कर देगी। हालांकि ये मामला शुरू कहां से हुआ, मामला नागपुर का है। वहां रहने वाली 16 साल की लड़की की तरफ से ये केस दायर किया गया था। वारदात के समय उसकी उम्र 12 साल और आरोपी की उम्र 39 साल थी। पीड़िता का कहना है कि दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश उसे खाने का सामान देने के बहाने अपने घर ले गया था, उसके ब्रेस्ट को छूने और उसके कपड़े उतारने की कोशिश की थी। सेशन कोर्ट ने इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत 3 साल और आईपीसी की धारा 354 के तहत 1 साल की सजा सुनाई थी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलनी थी। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। जस्टिस गणेनीवाला ने सेशन कोर्ट के फैसले में संशोधन करते हुए दोषी को पॉस्को एक्ट के तहत दी गई सजा से बरी कर दिया था, जबकि आईपीसी की धारा 354 के तहत सुनाई गई 1 साल की कैद को बरकरार रखा था। यानी पूरे इंसिडेंट को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की जज को बच्ची का सीना दबाना सेक्सुअल हरासमेंट नहीं लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी हुए आरोपी को भी दोषी ठहराया और आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत 3 साल की सजा दी गई। पॉस्को के तहत क्या क्या सेक्स क्राइम की कैटेगरी में आता है? पॉस्को एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के प्रति सेक्स क्राइम को कवर किया गया है। इसमें गलत नियत से बच्चों के साथ अश्लील बातें, इशारे करना, बच्चों के सेंसिटिव या प्राइवेट पार्ट्स को गलत इरादे से या सेक्सुअल हमले के इरादे से टच करना, बच्चों का पीछा करना, अकेले मिले जाकर गलत नियत से बातें करना, बच्चे को एक्सपोज करना या बच्चे के सामने खुद को एक्सपोज होना, बच्चे को पोर्नोग्राफी मटेरियल दिखाना या उसका इस्तेमाल जबरदस्ती पोर्नोग्राफिक मटेरियल प्रोड्यूस करने में करना, बच्चों को अश्लील बुक या कोई और लिटरेचर पढ़ाना। पॉस्को में ऑनलाइन हरेसमेंट को भी कवर किया गया है। सोशल मीडिया पर बच्चों को अश्लील फोटो या मैसेज भेजना भी अपराध की कैटेगरी में आता है। ऐसे मामले में आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।